आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। आबकारी पुलिस ने हरियाणा मार्का की शराब की पेटियों से भरा ट्रक पकड़ा है। इस ट्रक में अंग्रेजी शराब की कुल 835 पेटी थी। पुलिस ने बचने के लिए शराब की पेटियों को वाली पुट्टी के कट्टों के बीच में छिपा कर ले जा रहा था आरोपी। इस शराब की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी अधिकारी उम्मेदी लाल मीणा व DSP अजय यादव ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि हरियाणा से गुजरात शराब ले जाई जा रही है, जिस पर शुक्रवार की सुबह नमन होटल के पास आबकारी विभाग ने नाकेबंदी करवाई। इस दौरान एक ट्रक को रोका गया। ट्रक की तलाशी के दौरान पुट्टी के कट्टे ट्रक में मिले, जिन्हें हटाकर जांच की गई तो उनके बीच में अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुई थी। पुलिस ने आरोपी चालक जालौर जिले के सांचौर निवासी मंगलाराम को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर जिले में पहले भी कई बार हाईवे के रास्ते गुजरात, दिल्ली, राजस्थान आदि राज्यों में ले जाई जा रही हरियाणा की शराब पकड़ी जा चुकी है। ऐसे में पुलिस आरोपी चालक से पूछताछ कर रही है कि वह हरियाणा में कहां से शराब भरकर लाया था और गुजरात में कहां शराब बेची जानी थी। साथ ही इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है। ट्रक से कुल 835 पेटी बरामद हुई है, जिसमें मैकडोल की 550, ऑल सीजन की 195 और रॉयल चैलेंज कंपनी की 90 पेटी शामिल है। आएगा ना सब उनको बता जो आधान में आया यार गांव में पता ही ना लगे पत्रकारी में। क्या है आज हमारे लिए और हमारे EPF के जो हेड हैं अजय यादव जी, इनके नेतृत्व में बहुत शानदार कार्रवाई हुई है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बैकग्राउंड में ट्रक शराब से भरा हुआ जो हरियाणा मेड है, इसमें तीन ब्रांड है, रॉयल चैलेंजर और मैकडोनल्ड और सेशन नाम से तीनों ब्रांड है। ये यहाँ से कहीं क्रॉस करके बाहर ले जा रहे थे, तो सघन चेकिंग अभियान डिप्टी साहब के द्वारा बहुत ही अच्छे से चलाया जा रहा है। ये खुद भी पिछले कई 15 दिनों से लगातार रात को नाकाबंदी करवाते रहे हैं, समय बदल बदल के, और उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट या रिजल्ट आज आपके सामने है कि काफ़ी बड़ी तादाद में शराब जो अवैध रूप से हरियाणा ले जाने की संभावना है वो हमने पकड़ा है। और इससे मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई करने वाले लोगों में एक मैसेज जाएगा कि वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो कानून के अनुसार उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है और हम कर रहे हैं। और हम आपको आपके माध्यम से ये भी भरोसा दिलाते हैं कि ज़िले में वैसे हम सबसे अच्छी कार्रवाइयाँ लगातार कर रहे हैं, लेकिन आगे भी हम लगातार हमारा 100% इसको देंगे। ज़िले में कहीं भी इस तरह से इल्लीगल शराब या स्प्रिट या हथकड शराब का निर्माण और उसका उपयोग परिवहन जहाँ भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। जैसा कि अभी मेरे कार्यकाल के दौरान दो बड़ी कार्रवाइयाँ इस तरह की हो गई है, आपको पहले पता है कि स्प्रिट भी बहुत बड़ी मात्रा में हमने पकड़ी थी और उसमें हमने मुलजिम गिरफ्तार भी कर लिए हैं, और इसमें भी हमने ड्राइवर को पकड़ा है। इसका आज ही FIR दर्ज कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ये कहाँ से लेकर आया था और कहाँ लेकर जा रहा था और कितने लोग इसमें शामिल हैं। कहाँ से पकड़ी है ट्रक, कहाँ से पकड़ा है? ये अमन होटल के पास अलवर बाईपास से इसको पकड़ा है और अभी थाने में इसको लेकर आए हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग की कार्रवाई है। अभी ये पता नहीं लगा कहाँ से लेकर आया, कहाँ जा रहा था, अभी ये पता नहीं है। अभी ये अनुसंधान का विषय है और हम कोशिश करेंगे कि इसका जो ओरिजिन मदर प्लेस है वो और इसका जो डिस्पैच का प्लेस है वो इस और इसमें इन्वॉल्व सभी व्यक्ति
वो सब उन तक हम पहुँचें, उनको कानून की गिरफ्त में लेवें और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें।